नमस्कार, आप देख रहे हैं गुफ्तगू और आज गुफ्तगू में हम गुफ्तगू करेंगे बेहद खास मेहमान से जिन्हें पत्रकारिता में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। अभी भी वो बहुत एक्टिव हैं। समसामयिक विषयों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी पूरी पकड़ है। महानगर टाइम्स के संस्थापक हैं, अब तो आप समझ ही गए होंगे, गोपाल शर्मा की हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 150वीं जयंती गांधी जी की, जिसे धूमधाम से मनाने की तैयारी हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन अगर हम गोपाल शर्मा जी के नज़र में गांधी जी को समझें या राजस्थान से उनके लगाव को, जुड़ाव को समझें, तो आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, 19वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में दो ही नाम दुनिया में सामने थे, उसमें एक नाम महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ने देश को रोशनी दी, देश को दिशा दी, देश को एक तौर तरीका दिया सोचने का। और जैसे कि कहा गया कि युद्ध नहीं बुद्ध, तो भारत की जो संस्कृति है वह किस तरह की है, उसके प्रतीक पुरुष महात्मा गांधी हो गए। तो एक जर्नलिस्ट के नाते मेरे मन में एक सवाल लंबे समय से चल रहा था कि क्या राजस्थान और हमारे जयपुर से महात्मा गांधी का कोई संबंध है क्या? तो जहाँ पढ़ते थे वहाँ ये देखने में आता था कि महात्मा गांधी कभी जयपुर नहीं आए। अच्छा। वो केवल 3 बार आए, तो अजमेर आए और अजमेर आकर के वापस चले गए। फिर मन में एक सवाल आता था कि स्टेशन पर जयपुर के जब भी उतरते हैं तो उनकी मूर्ति के पास में एक होल्डिंग लगा हुआ है सरकार की तरफ से, जिसमें लिखा है कि 1901 में महात्मा गांधी इधर से गुजरे। तो मैंने सोचा किस आधार पर इन्होंने लिखा है, लेकिन इसकी गहराई में गया तो बहुत आश्चर्यजनक चीज़ सामने आई कि 24 फरवरी 1902 को महात्मा गांधी जयपुर में थे। 24 फरवरी 1902। हाँ। और सिर्फ जयपुर में नहीं थे। हाँ। बल्कि उन्होंने रामनिवास बाग देखा, उन्होंने अल्बर्ट म्यूजियम देखा, उन्होंने जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स देखा, और देख करके खुद उन्होंने उसके बारे में लिखा। अच्छा। और लिखा कहाँ? अपनी आत्मकथा में लिखा। तो अपनी आत्मकथा में तो केवल उन्होंने जयपुर आने का रेफरेंस दिया, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले, जो देश के बहुत बड़े नेता थे, उनको उन्होंने सिर्फ 10 दिन बाद, मतलब 4 मार्च 1902 को पत्र लिखा, और उसमें उसका सब्जेक्ट था कि जयपुर उनको कितना सुंदर लगा। अच्छा। और सुंदर ही नहीं लगा, उन्होंने कहा कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है यहाँ का, वो कलकत्ता के म्यूजियम से ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने ये लिखा कि जो स्कूल ऑफ आर्ट्स है उसमें बंगाली शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो इससे ये लगा कि महात्मा गांधी का जयपुर में आना, उनका देखना, ये भी एक विषय है, लेकिन उससे ज़्यादा भी महत्वपूर्ण जो है कि जो हिंदुस्तान में स्वतंत्रता संग्राम चला, जो जयपुर के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चला, जो सत्याग्रह हुआ, उसमें गांधी जी ने हरिजन में लगभग 20 आर्टिकल जयपुर के बारे में लिखे। अच्छा। और 8-10 आर्टिकल तो ऐसे थे जिनके हेडिंग ही है जयपुर, मतलब जयपुर में कोई भी घटना होती थी वो महात्मा गांधी की जानकारी में होती थी और वो हरिजन में उसके ऊपर लेख लिखते थे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत रोचक, शायद पिंक सिटी के लोगों के लिए या पूरे मरुधरा के लिए बहुत खास बात है। निश्चित ही। लेकिन गोपाल जी, इतने टाइम तक ये बात क्यों नहीं सतह पर आ पाई, जबकि हर सियासतदान गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करने की बात कहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जिम्मेदारी पत्रकारों को दी हुई है। अच्छा। तो इसलिए कई चीज़ें समय के साथ होती रहती है। अभी ये विषय ध्यान में आया और संजोग है कि इसकी शुरुआत फर्स्ट इंडिया से हो रही है जी, तो इसलिए और भी खुशी की बात है। बिल्कुल। और ये बहुत रोचक जानकारी है शायद हमारे लिए, सभी दर्शकों के लिए है। गोपाल जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। मतलब आप यहाँ तक देख लीजिए कि जयपुर के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बदलवाने का काम गांधी जी ने किया। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, और जो किसानों की स्थिति है जिस पर अभी आप बात कर रहे थे, तो इन राज्यों के चुनाव क्या कुछ अलग दिखाई देते हैं या उसी परिपाटी पर चलते दिखाई देंगे? देखिए, चुनावों से कुछ होने वाले नहीं है, क्योंकि हरियाणा क्योंकि कृषि बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। मैं उसी बात के ऊपर कह रहा हूं। मतलब चुनावों से सिर्फ ये होता है कि उस समय का नजरिया लोगों के सामने आ जाता है। बेसिक चीज ये है कि वहाँ के लोग अपने को खुश महसूस करते हैं कि नहीं खुश महसूस करते हैं। खुशी का मतलब है
कि एक खुशी है जो भगवान देता है बरसात के रूप में, उनके जो साधन है उसके ऊपर है, दूसरी चीज़ है कि संकट में साथ में कौन खड़ा है। तो अगर वो लोग खुशी से मतदान करते हैं और ये सोच के करते हैं कोई विकल्प नहीं है, किसको देना है, इन्हीं को देना है, रो में बह करके देना है, तो फिर उस चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन है अब ये लगता है कि शायद किसानों की बातें एक हद तक होती, मैनिफेस्टो में एक कॉलम होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, वहां तक सीमित रहती बिल्कुल, है। सही, लेकिन मौजूदा दौर में राष्ट्रवाद, जी राष्ट्रवाद का जिक्र सबसे ज्यादा होता है कि हम एक गरीब की बात कम करते हैं, किसान की बात कम करते हैं, मजलूमों की बात कम करते हैं, हम राष्ट्र की बात ज़्यादा करते हैं, देश की बात करते हैं, हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। तो ये कितना वाजिब लगता है आपको, क्योंकि अब ये किसी से नहीं छुपा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की अगर पहचान हो गई है तो एक राष्ट्रवादी के तौर पर हो गई। प्रधानमंत्री हमारे जाने जाते हैं तो भारत का एक चेहरा के तौर पर जाने जाते हैं, साथ साथ कि हाँ दुश्मन उनकी तरफ नज़र उठा कर नहीं देख सकता, देश की तरफ नज़र उठा कर नहीं देख सकता। ये विषय बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, बनस्पति इसके कि हम वहाँ की समस्याओं का जिक्र करें, उसकी चर्चा करें। देखिए, भारत माता की जय जितनी ज़ोर से बोला जाएगा उतना एक हिंदुस्तानी को अच्छा लगेगा, पेट भरा हुआ हो तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, ये सबसे तो इसका यही जवाब है कि पेट भरा हो, आत्मिक शांति हो, सुरक्षा हो, भय से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, और उसमें राष्ट्रवाद का मिठास हो, राष्ट्रवाद की, तो और अच्छा लगेगा। जो आपने एक एकता यात्रा कवर की थी कन्याकुमारी से लाल चौक श्रीनगर तक, तो ऐसे में मौजूदा स्थिति में अनुच्छेद 370 का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो जम्मू कश्मीर जो कुछ हुआ है, अनुच्छेद 370 हटा है, 35 से हटा है, गांधी जी की विचारधारा से जोड़ कर देखें तो जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थितियाँ आपको कैसी लगती हैं? देखिए, गांधी जी अगर होते तो शायद ये पसंद नहीं करते। अच्छा, गांधी जी क्या पसंद करते उससे वर्तमान नहीं चल सकता। इसमें सबसे गंभीर विषय ये है कि जब बोलने का समय हो तो हम चुप रहें और जब चुप रहने का समय हो तो हम बोलते रहें। 1989-90 के अंदर जब लगभग 3 लाख वहाँ के पंडितों को वहाँ से पलायन करके आना पड़ा और देश ने जिस तरह से चुप्पी साधे रखी, यह उसका विकराल रूप है जो पिछले 30 सालों में हुआ है। जब वो लोग वहाँ से कश्मीरी पंडित हट करके देश के विभिन्न हिस्सों में गए तो बहुत बड़ी तादाद में जयपुर में भी आए। उनका पहला इंटरव्यू करने वाला मैं ही था। अच्छा। तो वो जिस दर्द के साथ आए, जिस अत्याचार की कहानियों के साथ आए, उनको मुझे ध्यान आता है कि चावल और दाल देख करके ऐसे लगा जैसे जीवन मिल गया हो। अच्छा, अब क्योंकि आपने अमेरिका का इलेक्शन भी कवर किया था लास्ट टाइम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कवर किया था आपने, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे थे, तो अभी क्योंकि फिर इलेक्शंस आने वाले हैं, हाउ डी मोदी के जरिए मोदी और ट्रंप का एक मंच पर आना, क्या ये वहाँ पर माइलेज लेने की कोशिश है, फ़ायदा लेने की कोशिश है ट्रंप की भी? वो जानते हैं बखूबी कि जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पर, वो मोदी के जरिए पूरा वोट उनकी तरफ आ जाएगा? बिल्कुल, आप सच सोच रही हैं। भारत इस समय सिर्फ व्यापार नहीं है, भारत एक आधार है। अच्छा। तो इसलिए रूस का राष्ट्रपति भी ये सोचते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ दी, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इजराइल वाले बार बार कहते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, ट्रंप कह रहे हैं हमारे दोस्त हैं। मैं कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी की ही बदौलत नहीं है, 130-135 करोड़ भारतीयों की जो ताकत है उसकी बदौलत है। उनको लग रहा है देश एक साथ है। 3 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है, जो आपने रिपोर्ट्स देखे कि 45 ईयर्स में ये पहली बार ऐसी सिचुएशन है कि जब बहुत बुरी स्थिति से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से करें या फिर रोजगार के लिहाज से, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है, बहुत संजीदगी इसको लेना ज़रूरी हो जाता है। अब इस तरीके के कार्यक्रम, हाउ डी मोदी जैसे कार्यक्रम, क्या वाकई में अर्थव्यवस्था के लिए भी टॉनिक होंगे? क्या वाकई में जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, वो बढ़ेगा, ये उम्मीद हम कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स में कट डाउन किया गया, उसमें कमी की गई, और उसके बाद अमेरिका का ये कार्यक्रम, तो उम्मीद करें कि उससे बूस्टअप मिलेगा, टॉनिक मिलेगा, या फिर ये सिर्फ एक शोशेबाजी बन के रह जाएगा, एक उम्मीद ही बन के रह जाएगी? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ है हमारा अच्छे कपड़ों का पहनना और दूसरा है हमारी आत्मा का खुश होना, हमारे मन का खुश होना। तो भय, भूख और भ्रष्टाचार, ये 3 चीज ऐसी हैं जिनसे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। भय, भूख, भ्रष्टाचार, बहुत अहम बात कही आपने। इसलिए
हमारी प्रायोरिटी के अंदर इस समय जो देश चल रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका उन ब्यूरोक्रेसी की है जो प्रोग्राम चलाना जानते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अलावा भी जिंदगी है जो विदर्भ से लेकर के और बांसवाड़ा तक जुड़ी हुई है। तो जब तक उस अभाव की सोच आंतरिक रूप से नहीं होगी, जब तक गरीब के दर्द का एहसास नहीं होगा, जब तक आम आदमी को ये नहीं लगेगा कि ये सरकार मेरी बनाई हुई है, मुख्यमंत्री को मैं कभी भी रोक सकता हूँ सड़क के ऊपर चलते हुए, मेरी गरीबी को देख करके उनकी कार आगे नहीं बढ़ सकती, ये जब तक नहीं होगा तब तक योजनाओं के केंद्र बिंदु में आम आदमी नहीं आ पाएगा। आम जनता को सशक्त करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन मीडिया कैसे सशक्त हो, जरा ये भी बताइए, क्योंकि कई सारे सवाल मीडिया पे उठ जाते हैं। सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक मीडिया कर्मी की स्थिति या न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ पेपर्स की जो सिचुएशन है, आप समझ रहे होंगे कि मैं माली हालत की बात करूँ, रेवेन्यू की बात करूँ, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा भी था कि हम उसको बूस्टअप करने की, सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा फैसला भी आया, संतोष गंगवार जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में अब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी हैं और जो वेब जर्नलिज्म जुड़े हुए हैं, उनको, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि पहले मजीठिया रिपोर्ट, हाँ, लेकिन वो जो आती है उसको भी ऐसा संबल नहीं मिलता, हाँ, उससे उसको भी लोग मानने को तैयार नहीं है। पहले केवल प्रिंट मीडिया थी, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं होती थी, लेकिन ये भी बात 20 साल 25 साल पुरानी हो गई, तो हम धीमे चल रहे हैं उसका एक ये प्रतीक है। 25 साल पहले ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, 20 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। ये भी हो सकता है कि थोड़े समय बाद हमको हवाओं से न्यूज़ मिलने लग जाए, हम निकलें और हमको सुनाई दे कि ये हो गया है, कुछ देखना भी नहीं पड़े। तो चीज़ ये अच्छी है, लेकिन करना ये होगा कि इसके संचालन से सरकार का अधिकार खत्म हो। जैसे कोर्टों के ऊपर सीधे सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, वैसे ही अगर मीडिया को विज्ञापन दिया जाना है तो उस पर भी सरकार का हस्तक्षेप खत्म हो, तो इससे स्वतंत्रता पनपेगी और खुशहाली बढ़ेगी। चलिए सर, अब क्योंकि वक्त अब इजाज़त देता है कि अब हमें वाइंड अप करना होगा, बट चलते चलते, क्योंकि हमने शुरुआत गांधी जी से की थी, तो जाते जाते भी एक संक्षेप में एक संदेश कि गांधी जी का कौन सा संदेश जो आपके दिल को छूता है और जो आप चाहेंगे कि हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाए? एक तो मुझे ये लगता है कि उनका कहना कि हर गलती अपनी कीमत मांगती है, हर गलती अपनी कीमत मांगती है। और दूसरी चीज ये है कि एक ऐसा बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका में सफल थे, उन्होंने अपने कपड़े तक उतार दिए, लंगोटी के अंदर चल पड़े, न कोई बैंक बैलेंस की जरूरत है, न कुछ और है, और इसके बावजूद भी किसी भी काम के लिए वो निकल पड़े, तो लोगों ने भंडार खोल दिए। आपको एक मैं और आश्चर्यजनक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गांधी जी ने कह करके हिंदुओं से धन दिलवाया। चलिए, ये यही जो हम समरसता की बात करते हैं, ये है समरसता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, बहुत सारे अनछुए पहलू को गांधी जी के बारे में हमें बताया और जयपुर से जो बेहद रोचक कनेक्शन है उसके बारे में बताया, कई सारे इश्यूज जो अभी मौजूदा हैं उनके बारे में चर्चा की, लेकिन जो सबसे अहम बात यहाँ पर की कि हर गलती अपनी कीमत मांगती है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अभी भी हालात को समझें, न केवल हम एक जश्न बनाएं, किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि मनाएं, बल्कि उनके आदर्शों को आगे ले जाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ सियासत में भी एक जो स्वच्छता की बात कही जाती है, संवेदना की बात कही जाती है, वो भी हमें देखने को मिले, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए गुफ्तगू में इतना ही। नमस्कार।